ఎలా చేస్తావు పెద్ద సమయం ఇప్పుడు కనే రామ్ జీ బర్మా పై బరి రే और हमेशा व्रत करते रहिए। दोस्तों सुकरात के बारे में सुना है आपने? सुकरात जो कि यूपीएससी से लेकर कई सारे कंपटीशन के परीक्षाओं में सुकरात के बारे में पूछा जाता है। सुकरात कौन थे, इन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, आखिर सुकरात ने मौत को ही क्यों चुना, क्या कारण था? सुकरात आप सभी लोगों को पता होगा कि सुकरात ने हंसते हंसते विष का प्याला नहीं लिया था। हंसते हंसते उन्होंने राजा से ये नहीं कहा था कि मैं विष का प्याला नहीं पीऊंगा, उन्होंने हंसते हंसते विष का प्याला पी लिया और मौत को प्राप्त कर लिया। क्यों? सुकरात जो थे एक इतने उच्च व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज सुकरात के बारे में जान लेते हैं कि सुकरात कौन थे और सुकरात ने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया। सुकरात को ज्ञान का सागर कहा जाता है। सुकरात ने ज्ञान का रहस्य क्या है, आखिर सुकरात ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सुकरात के ज्ञान का रहस्य। सुकरात के ज्ञान का रहस्य, आखिर सुकरात कितना ज्ञानी थे, उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया? और सुकरात ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है तो वह कैसे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुकरात का जन्म आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है जीएस पेपर थर्ड में कि सुकरात के ज्ञान का रहस्य बताइए, सुकरात कौन थे, इन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया। तो देखेंगे सुकरात ललित विज्ञान क्वेश्चन पूछा गया था सुकरात के ज्ञान का रहस्य बताइए, कई छोटी छोटी नौकरियों में पूछा जाता है। तो सुकरात का जन्म 2400 वर्ष पूर्व यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। जन्म हो गया 2400 वर्ष पूर्व एथेंस में हुआ था जो कि यूनान की राजधानी है एथेंस। इन्होंने अपनी पढ़ाई गणित विज्ञान से किया तथा अनेक सदी के बाद इन्होंने हंसते हंसते विष का प्याला पिया और मौत की प्राप्ति किया। लेकिन आखिर सुकरात ने मौत को ही क्यों चुना, ये वीडियोस में आपके लिए जस्ट ही टेस्ट करूंगा कि मौत को क्यों चुना, बिल्कुल अगला नेक्स्ट वीडियो। लेकिन इस वीडियो का मुख्य टॉपिक है सुकरात के ज्ञान का रहस्य, इसलिए मैं वीडियो को मोड नहीं देना चाहता। सुकरात के ज्ञान का रहस्य क्या था? सुकरात ने ज्ञानी थे क्योंकि पहले से ही विज्ञान से उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद इनके अत्यधिक प्रेरणादायक लोग बन गए, इनके अत्यधिक शिष्य बन गए प्लेटो। जो प्लेटो था ये भी सुकरात का शिष्य ही था, प्लेटो भी बहुत ज्ञानी था लेकिन सुकरात का शिष्य था। प्लेटो के बारे में सुने होंगे, प्लेटो जब इतना ज्ञानी था और ये शिष्य था सुकरात का, तो सुकरात कितना ज्ञानी होंगे। सुकरात के जब उस समय उग्रवादियों का राजा था और उस समय जब सुकरात का विचार पूरे देश में राज्य में फैल रहा था, देश में फैल रहा था, तो वहां के लोग जो अंधविश्वासी लोग थे उन्होंने सोचा कि सुकरात हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, तो
क्योंकि अंधविश्वास में जीने वाले लोग सुकरात की भावनाओं को नहीं समझ सके, और जब सुकरात की भावनाओं को नहीं समझ सके तो उन्होंने राजा से कार्रवाई की, उन्होंने राजा से कार्रवाई किया कि जो सुकरात है अपने व्यक्तित्व के माध्यम